नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं आज तक। आज निकलेगा दिल्ली की सड़कों का दम, क्योंकि आज शाम दिल्ली की सड़कों पर होने वाली है जबरदस्त भीड़, जबरदस्त जाम। और इसीलिए आप भी रहिए सावधान, क्योंकि आज शाम घर से निकलने से पहले 100 बार सोचिएगा। आप शाम दफ्तर से घर लौटने में कई घंटों आज शाम आपको लग सकते हैं, और इसकी वजह है आज दिल्ली में होने वाले 3 बड़े आयोजन। आज से राजधानी में शुरू हो रहा है श्री श्री रविशंकर का मेगा कल्चरल शो, जिसमें पूरी दुनिया के कई लाख लोग शिरकत करने वाले हैं। और आज ही के शुभ दिन दिल्ली में 20,000 से ज्यादा शादियां भी हैं, जिनके जश्न का एक साइड इफेक्ट जाम के तौर पर आपको झेलना पड़ सकता है, बेशक आप शादी की किसी दावत में शामिल हो या ना हो। इसी के साथ आज से ही राधा स्वामी सत्संग भी शुरू हो रहा है, यानी आज दिल्ली में भयंकर जाम लगना तय है, खासकर दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में। साथ ही दिल्ली को एनसीआर से जोड़ने वाली 2 मुख्य सड़कें NH24 और DND पर तो भारी ट्रैफिक हो सकता है। दौड़ती भागती दिल्ली में आज की शाम मचने वाला है ऐसा ही हाहाकार। चारों ओर मचने वाला है गाड़ियों का ऐसा ही शोर। दूर दूर तक दिखेगा गाड़ियों और लोगों का ऐसा ही सैलाब, क्योंकि आज देश की राजधानी में एक नहीं, दो नहीं, 3-3 ऐसे आयोजन हैं जिनमें उमड़ने लगा है जन सैलाब। आज जाम होगी दिल्ली, श्री श्री का आयोजन, सबसे बड़ा और भव्य समारोह हो रहा है आर्ट ऑफ लिविंग का। श्री श्री रविशंकर के इस महायोजन में आज से लेकर अगले 3 दिन तक 35 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है, यानी औसतन एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली में जुटेंगे, यानी दिल्ली की करीब 1.5 करोड़ की आबादी में एक साथ 10 लाख लोगों का इजाफा। जरा अंदाजा लगाइए कि आम दिनों की शाम ट्रैफिक जाम का सिरदर्द आज कितने गुना बढ़ने वाला है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करीब 20,000 VVIP भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिस वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक वैसे ही नहीं चलेगा। कई रूट डायवर्ट किए गए हैं, जिसमें DND, मयूर विहार लिंक रोड और सराय कालेखां की तरफ जाने वाली रिंग रोड पर ट्रैफिक का भारी दबाव रहेगा। रिंग रोड पर भैरव रोड टी पॉइंट से सभी ट्रैफिक को राजघाट की तरफ मोड़ा जा सकता है। महामाया फ्लाईओवर से आने वाले ट्रैफिक को कालिंदी कुंज की तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। इसी तरह सेक्टर 15 नोएडा से आने वाला ट्रैफिक DND की तरफ मोड़ा जा सकता है। इसके अलावा अक्षरधाम फ्लाईओवर के नोएडा कट, आश्रम चौक से DND की तरफ जाने वाले ट्रैफिक और नोएडा लिंक रोड पर ट्रैफिक बंद किया जा सकता है। यानी ये अकेला आयोजन ही दिल्ली वालों को सड़क पर चलना मुश्किल कर सकता है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए आयोजन का जाम अभी और भी है। आज जाम होगी दिल्ली, 20,000 से ज्यादा शादियां, जश्न के ऐसे 20,000 से ज्यादा नजारे आज एक साथ दिल्ली की सड़क पर दिखेंगे। एक शादी में कम से कम औसतन 100 बाराती भी माने जाएं, तो कम से कम 20 लाख बाराती आज दिल्ली की सड़कों पर ऐसे ही झूमेंगे। झूमेंगे बाराती और ट्रैफिक जाम से चकराएगा आपका सिर। आज जाम होगी दिल्ली, राधा स्वामी सत्संग। अब दिल्ली के जाम होने की तीसरी वार्निंग भी समझ लीजिए। राधा स्वामी सत्संग वाले भी साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी एरिया में आज से 13 मार्च तक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। यानी आज दिल्ली का दम निकलने वाला है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने पूरे इंतजाम करने का दावा किया है, लेकिन इंतजाम तो आपको रास्ता दिखाने के लिए होंगे। उस रास्ते पर होने वाले जाम से बचाने का दावा तो कोई नहीं कर सकता। आज तक ब्यूरो।
श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम और ट्रैफिक के लिए क्या है व्यवस्था, जायजा ले रही है आज तक संवाददाता प्रमिला दीक्षित। तो जहां संस्कृतियों का मिलन हो रहा है वहां दिल्ली से भी तमाम लोग अपनी इच्छा से जुड़े हैं वॉलेंटियर करने के लिए, क्योंकि हर तरह की मदद की ज़रूरत रहेगी, दरकार रहेगी लोगों को। और ये लोग जो आप देख रहे हैं ये DU के चेहरे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, अलग अलग कॉलेजेस के हैं, और इनका काम यहाँ पर परफॉर्म करना भी है। 13 तारीख को आपका कार्यक्रम है, क्या करेंगे? हम योगा डांस की परफॉर्मेंस है हमारी, सो दैट हम लोगों को बता सकें कि वो घर पे रह के भी अपने सिंपल रूटीन लाइफस्टाइल में हर रोज़ इन अर्ली मॉर्निंग योगा करें एंड दे'ल स्टे फिट एंड हेल्दी। सिमरन, और आज क्या करने के लिए आए? आज हम वॉलेंटियर करने आए हैं हेल्प डेस्क पे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विल बी कमिंग एंड आस्किंग फॉर हेल्प, वी विल हेल्प देम। और हमारा एक और जगह है, वो है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड जो चीज़ें खो जाएंगी वो हम देंगे फॉरन। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है। साधी प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी speaks this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And